हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर नांदेड़ से में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक अस्पताल में 24 घंटे में 24 मौतें यहां पर हुई हैं। नांदेड़ का सरकारी अस्पताल ये बताया जा रहा है। और ये जो 24 मौतें हुई हैं 24 घंटे में, इसमें 12 नवजात बच्चे हैं और 12 वयस्क हैं। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि ज़्यादातर मौतें जो हैं वो सांप के काटने की वजह से हुई हैं। यहाँ पर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने यह आरोप लगाया है कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ उस पर पूरी तरह से सफाई सामने नहीं आई। लेकिन आप देखें, महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला और डीन की जो बाइट है, जो उन्होंने बात कही है मीडिया से, वहां पर वो बातें वैसे सवाल उठाए हैं जिस पर महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना होगा। क्योंकि उनका कहना है कि 80 किलोमीटर के आसपास, आप देखिए वो इलाका जहां ये अस्पताल है, वहां पर दूसरा ऐसा कोई अस्पताल नहीं है। इसलिए जितने भी क्रिटिकल मरीज हैं, गंभीर मरीज हैं, वो इनके यहाँ पर भर्ती हैं। जो क्षमता है उससे कहीं ज्यादा भर्ती हैं। 500 की अगर क्षमता है यहाँ पर बेड की, तो समझें आपकी 1200 के आसपास मरीज यहाँ पर भर्ती हैं। विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। तो 24 घंटे में 24 मौतें ये हुई हैं। डीन की ओर से जानकारी ये मिल रही है कि इसमें अलग अलग तरह की बीमारियां और खासतौर से सबसे ज्यादा जो सांप के काटने की वजह से जो मरीज यहाँ पर भर्ती हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि 12 नवजात बच्चे हैं इसमें। जो कुल 24 मौतें हुई हैं उनमें 12 नवजात बच्चे हैं, 6 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं जिनकी मौत हुई है। उस पर आप देखें विपक्ष तुरंत हमलावर है। अशोक चव्हाण कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, यहां पर उन्होंने दौरा किया इस अस्पताल का और वहां उन्होंने बात कही है किस तरह से जो कमियां हैं इस अस्पताल में उन्होंने गिनाई हैं। सुप्रिया सुले ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी सरकार को घेरा। लेकिन मुख्य तौर पर अगर आप इस सरकार, इस अधिकारी की ही बाइट को आप समझें, जो उन्होंने मीडिया से कहा कि आसपास अस्पताल न होने की वजह से क्षमता से कहीं ज्यादा मरीज यहां पर हैं, ऐसे में जो बजट इनको दिया जाता है वो उसमें गड़बड़ी होती है। जो दवाइयों की सप्लाई है हाफकिन की वजह की तरफ से, उसमें भी गड़बड़ियां हुई। वहां पर वो सप्लाई रुकने की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस अस्पताल के ऊपर पड़ा। हालांकि उनका कहना है कि आसपास से दवाइयां खरीद कर लोकली जो प्रोवाइड हो रही हैं उनको दी जा रही हैं। लेकिन 24 घंटे में 24 मौतें हो चुकी हैं जिसमें 12 नवजात बच्चे हैं, 12 बड़े हैं। और वहां पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका है। एक तरह से जो तमाम परिजन है वहां पे पहुंचने शुरू हो गए हैं और जो सियासी दौरे हैं वो भी शुरू हो गए हैं। एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मौतें हुई हैं जिसमें से 12 नवजात हैं और ज्यादातर जो हैं वो सांप के काटने के चलते यहां पर भर्ती हुए थे। अब यहां पर शिंदे सरकार जो है उसे जवाब देना होगा, क्योंकि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं की कमी के भी आरोप यहां पर